इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन पे में इस तरीके से लिखा हुआ आता है, अगर आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस द फोन पे ऐप, तो यहाँ पर क्या करना रहता है उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर एक कोड लगा रहता है गाइस, जिसको हमें फ़ोन पे पे एक्सेस करना होता है। ये आप लगा देते हैं या फिर ऑटोमेटिकली इसकी सिक्योरिटी की वजह से लग जाता है, वो दोनों तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ क्या आता है, यहाँ पर अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड ये एक्सेस हो जाएगा। बट ये कभी कभी एक्सेस ये आता ही क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये आता इस वजह से है कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अपने पेटीएम से, डायरेक्टली हम फोन पे पर ले जाते हैं यूपीआई आईडी से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पासवर्ड रिक्वायर्ड रहता है, हम जब भी इसको खोलते हैं फोन पे को, पासवर्ड उसमें रिक्वायर्ड रहता है। एक दफ़े बंद करके खोलेंगे दोबारा पासवर्ड आएगा इसमें, ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एंड हमारा पासवर्ड एकदम आ जाएगा, या फिर हम पासवर्ड को अनलॉक कर देते होते हैं तो फिर वो नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको पिन का ऑप्शन आता है, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली चेक कर लेनी है, वरना आपको दिक्कत बार बार क्रिएट हो सकती है। तो पासवर्ड डालिए एंड एक्सेस करिए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।